ये मुझे ऑफिस में दिखी और मेरा चलाने का बहुत ज्यादा मन हो गया, तो इसको 3 घंटे फुल चार्ज करने के बाद हम इसे नीचे ले गए। तब मुझे समझा कि इसे फोल्ड करके भी लेके जा सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सही है। और मैंने जैसे ही इसे चलाई, इसका स्पीड बहुत ज्यादा सही है, 25 किलोमीटर स्कूटर के लिए बहुत ज्यादा लगता है। और साथ ही साथ इसमें एक स्पीडोमीटर भी, तो अपना स्पीड बार बार देख सकते हो और उस हिसाब से चला सकते हो। और इसमें टोटल 3 मोड्स है, इलेक्ट्रिक, ड्राइव और स्पोर्ट्स भाई। और मैंने तो भाई सिर्फ स्पोर्ट्स में चलाई, लेकिन इस वजह से इसकी एक दिक्कत हो जाती है कि रेंज बहुत ज्यादा गिर जाता है, लेकिन नॉर्मल इकोनॉमिक मोड पर ये 30 किलोमीटर चल जाती है। और छोटी होने की वजह से कंजेस्टेड एरिया में से जुब 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 करके निकल जाती है। और हम जब भी चला रहे थे और जैसे जैसे लोग बीच में आ रहे थे, इसका हॉर्न तो कुछ भी काम नहीं आया। तो इसके घंटी से तो कोई नहीं रुकने वाला, इसलिए हमें बहुत ज्यादा ब्रेक इस्तेमाल करना पड़ रहा था। और इसके टायर्स देखने पर पता चला ये तो प्लास्टिक के, तो पंचर का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए भाई इसके ब्रेक्स भाई मस्त चलते हैं। और इसे रोकने पर भी मस्त था, एक छोटा सा स्टैंड है जो बहुत ज्यादा कूल लगता है। इसके साथ साथ एक और चीज कूल है, वो है क्विक बिट्स का फॉलो बटन।